आईपीएल 2023 में लीग का आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बैंगलोर को हराकर इस सीजन से बाहर का रास्ता दिखाया। शुभमन गिल ने विराट कोहली के 101 रनों के शतक का जवाब देते हुए इस सीजन में लगातार दूसरी बार शतक जड़ते हुए 104 रन बनाए और आरसीबी की टीम को इस सीजन से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस मुकाबले में 101 रन बनाए और आरसीबी को 197 रन तक पहुंचाया। बावजूद इसके आरसीबी ये मुकाबला नहीं जीत पाई। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में छक्का लगाकर न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि आरसीबी को नॉकआउट भी किया। लेकिन क्रिकेट के प्रिंस कहलाए जाने वाले शुभमन गिल के छक्का लगाकर उनके शतक को पूरा करने के बाद जो मंजर मैच में देखने को मिला, शायद कोई भी क्रिकेट फैंस दोबारा इस पल को देखना नहीं चाहेगा। क्योंकि जब शुभमन गिल ने छक्का लगाया और गुजरात को मैच जिताया तो उसके बाद विराट कोहली की आंखों में आंसू साफ दिखाई दिए। विराट कोहली मैदान के बाहर डगआउट में बैठे हुए थे और वहां विराट कोहली पूरी तरह से मायूस दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब शुभमन गिल ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया तब मोहम्मद सिराज भी रोते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज उस छक्के के बाद ग्राउंड पर ही लेट गए, जिसके बाद पूरी आरसीबी टीम काफी भावुक नजर आई। दरअसल में हर फैन ये चाहता था कि आरसीबी इस साल कप जीते। हालांकि आरसीबी का हर फैन चाहता है कि आरसीबी हर साल कप जीते, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। बावजूद इसके इस साल भी उनसे उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन टीम प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। विराट कोहली ने इस मुकाबले में अपना 100% दिया, बावजूद इसके उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। कहना गलत नहीं होगा कि ये सीज़न आरसीबी के लिए अप्स एंड डाउन्स भरा रहा, बावजूद इसके टीम बाहर होने में कोई कसर नहीं छोड़ पाई। जी हाँ, विराट कोहली के शतक को छोड़ दिया जाए तो आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में जीत के लिए कुछ भी नहीं किया। शुभमन गिल ने इस पारी के बाद ये तो बता दिया है कि उनकी गद्दी का असली वारिस शुभमन गिल ही हैं, जिन्होंने अपने आइडल को बैक टू बैक शतक लगाता देख सीजन में दूसरा शतक भी अपने नाम कर लिया। अगर आप भी विराट कोहली के मायूस होने के बाद दुखी हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।